अरविंद केजरीवाल की चुनावी राजनीति के हथकंडों का सच अब दिखाई देने लगा है। पंजाब में फ्री बिजली पानी का वादा देना, सस्ते पेट्रोल और डीजल की घोषणा करना और वहां की सत्ता हथियाना, और अब पंजाब वालों को दे दिया है धोखा। पंजाब में 3 रुपये सब्सिडी पर यूनिट जो मिलती थी वो वापस ले ली गई है बिजली पर, और पेट्रोल और डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया गया है। तो पंजाब के व्यापारियों को भी, पंजाब के किसानों को भी और पंजाब के मध्यम वर्गीय परिवारों पर एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी की सरकार ने झटका दिया है। और दिल्ली की दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं। दिल्ली में बिजली सरचार्ज के नाम पर ईमानदार उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कोई झुग्गी बस्ती ऐसी नहीं है जहां बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। पानी के नाम पर गंदा पानी है, पीने को पानी मिलता नहीं है। और अब दिल्ली भी क्योंकि चुनावी बेला पर है, अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार नई नई घोषणाएं करेगी, नए नए प्रलोभन देगी, लालच देगी कि हम ये करेंगे। लेकिन मैं दिल्ली वालों को सचेत करना चाहता हूं, पंजाब की जो हालत है उसको देख लीजिए। पंजाब में झूठे वादे करके आए, सत्ता हथियाई और आज 3 रुपये यूनिट सब्सिडी खत्म कर दी बिजली पर, पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया। तो दिल्ली में भी ये इसी तरह के धोखा देने की कोशिश करने वाले हैं। दिल्ली वालों से मैं कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, अपने वोट की कीमत पहचानिए। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ जो दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं, इनको अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है।